अरे सुल्तान, बेटा देख के जल ना जाए। और हाँ देख, मैंने चूल्हे पे दूध भी रखा है उबलने के लिए। उबल गया होगा अब तक, उसे भी देख ले, कहीं गिरी ना जाए। अच्छा देखता हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले वो दूध गिर गया, उसके बाद ये शर्ट भी जल गई आज यार। अरे क्या हो गया अब? ये शर्ट जला दी मैंने। अच्छा अब इसको छोड़, मेरी दूसरी शर्ट निकाल दे, वही पहन के चला जाऊं, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे कौन सी शर्ट? वही जिसकी आस्तीन फट गई थी, उसी की बात कर रहा है ना? हाँ तो वो कोई रखने जैसी थोड़ी थी, उसकी तो बगले भी फट गई थी। उसे तो मैंने काट के साफियां बना ली, घर में रोज साफी की जरूरत होती है। अरे अम्मा तुमको पता है मेरे पास दो ही शर्टें थी, एक जल गई है, एक तुमने काट के साफियां बना दी। अब क्या पहन के जाऊं मैं काम पर? और मेरे साहब का तुमको पता है, 100 बातें सुनाएंगे मुझे वो। मेरे को क्या पता, मैं तो सीधा साधा सा बंदा हूँ। उतारा इसे। तुम ड्राइवरी करते हो, हमारे ड्राइवर हो, ये रुमाल शुमाल अच्छे नहीं लगते, उतारे इसको। ये क्या है? जो सुबह मैं मिस्त्री कर रहा था तो भूल से ही शर्ट जल गई मेरी, वो दूध भी गिर गया था। आज का दिन ही खराब है मेरे लिए। नहीं तो और कोई शर्ट नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा चलो छोड़ो छोड़ो, जाओ वो स्टोर में, मैंने कुछ कपड़े निकाले, वो उसमें से तुम देख लो, जो तुम्हें पसंद है तुम रख लो। शुक्रिया बेगम साहब, मैं देख लेता हूँ। वाह आज तो तुम बड़े साहब लग रहे हो, अब तो लोग तुम्हें ड्राइवर के बजाय साहब ही समझेंगे। शुक्रिया बेगम साहब। बेगम साहब वो साहब ने देखा तो मुझे। क्यों परेशान होते हो, उनको अपनी खबर नहीं है, पता नहीं अपनी किस दुनिया में रहते हैं। अरे भाई कमाल हो गया, अब तक तो याद नहीं हुई, और ये तुम्हारी खास आदत है कि 11th आवर पे सारी इंस्ट्रक्शन देती हो। भाई जो भी बात करनी है गाड़ी में कर लेना, उसको बता देना, अगर देर से पहुंचे विल मिस द फ्लाइट, और ट्रैफिक का आपको बखूबी अंदाजा है। एक मिनट, और हाँ हमें एयरपोर्ट छोड़ के तुम सीधे वापस घर आ जाना, ये रात को घर अकेला है, मंसूर छुट्टी पर है, इसलिए आज तुम रात को इधर ही रह जाना। बेगम साहब मैं रुक जाऊंगा। आइए चले। एक मिनट, बहुत टॉम क्रूज बने हैं आज आप, हाँ गरेबान के बटन खुले हुए हाँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखो, आइंदा तुम ड्राइवर के होलिये भी नजर आओ तो बेहतर है। ये कपड़े आप गेट मारने के लिए पहनेंगे, समझे? जी साहब। आइए। टॉम क्रूज बनकर आए थे मेरे घर। बहुत एक मीठा पान बगैर छालियों के।
बात सुनिए, दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं एक शादी में से आ रही थी। क्या ये हो सकता है कि आप मुझे थोड़ा आगे तक मेरे घर तक मुझे ड्रॉप कर दें? बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हाँ बिल्कुल, आइए बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। जी जी शुक्रिया। आजकल का जमाना भी बहुत खराब है, इतनी रात में गाड़ी खराब हो गई, कोई टैक्सी नहीं रुक रही। डर लग रहा था कि मैं इतने जेवरात पहनी हूँ कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सचमुच तुम हो सुल्तान? तो हाँ, तो अचानक कितने सालों कितने महीनों बाद, ये यकीन नहीं आ रहा मुझे। 7 साल 6 महीने। हाँ 15 दिन। दिल से दूर करूं कैसे तू ही, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वही नैन नक्श, वही गहरी आंखें, तुम आज भी वो पुरानी वाली रानी की तरह ही हो। पुरानी रानी की तरह क्या मतलब, मैं वही रानी तो हूँ और तुम भी तो बिल्कुल नहीं बदले। बस ये ठाट, ये शान, जबरदस्त, अच्छे लग रहे हो। हाँ, पहले मैं पहना करता था वो फटे पुराने कपड़े, अब तो बस यही पतलून बुशर्ट पैंट शर्ट वगैरह। तुम्हारी गाड़ी भी बहुत शानदार है, लगता है बहुत बड़ा बिजनेस होगा तुम्हारा। हाँ बस यही समझ लो, आखिर तुमने अपने आप को साबित कर ही लिया। तुम हो मेरी जाने, साबित करना पड़ा मुझे। तुम क्या करते हो? हाँ मैं, मेरी दुकानें हैं बहुत कराची में, स्टोर्स खोले हुए मैंने, एक दुकान से शुरू किया था, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया, फिर एक के बाद दो, दो से चार, चार से आठ, अब तो मुझे खुद नहीं पता कितनी दुकानें हैं मेरी। सुल्तान मैट्रिक फेल, कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार होगा, इतने स्टोर्स होंगे। तुम बताओ कैसी हो तुम, और वो हमारा मियां कैसा है? नवीद बहुत अच्छे, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। क्या करता क्या है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उनका कारोबार तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो ख्याल रखता है तुम्हारा? हाँ हाँ, पता है जब भी बाहर जाते हैं ना, फिर ये इतने तोहफे लेकर आते हैं, इतनी चीजें लेकर आते हैं कि क्या बताऊं। जब इतना ख्याल रखता है तो मेरा मतलब, आज तुम यहाँ अकेली कैसे रात में? उनका काम ही ऐसा है, पाकिस्तान में तो कम ही होते हैं, ज्यादातर मुल्क से बाहर, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी यूरोप, कभी साउथ अमेरिका। इतना बड़ा बिजनेस मैन है वो, तो मेरा मतलब तुम गाड़ी खुद ही चलाती हो, कोई ड्राइवर वगैरह नहीं दिया, और तुमने गाड़ी चलाना कब सीखी? ड्राइवर तो 3-4 रखे हैं नवीद ने, लेकिन बस शादी के बाद से मैंने ड्राइविंग सीख ली और उसके बाद से मुझे खुद ही गाड़ी चलाने में मजा आता है। नवीद यही कहते हैं कि क्यों खुद को थकाती हो, क्या जरूरत है गाड़ी चलाने की जब इतने ड्राइवर रखे हैं घर पे, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अब चलिए, रात बहुत हो गई और मुझसे इंतजार नहीं होता। हाँ जानता हूँ तुमसे इंतजार नहीं होता।
किसकी हरकत थी ये? हाँ सब जानती हूँ कौन करता है ये सब। शर्मिया थी लड़की को छेड़ते हो। बदतमीज कहीं के घर में शिकायत लगाऊंगी ना लग पता जाएगा। रानी रानी आई अब्बू। बता रही हूँ तुम लोगों को अब भी नहीं सुधरे ना तो इतने जूते लगाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं। हाय कमबख्त जब भी डांटती है ऐसा लगता है प्यार के दो बोल बोल रही है। यार कब तक तू इस लड़की के साथ ऐसे मजाक करता रहेगा और इसकी डांटे सुनता रहेगा? नंबर कब बढ़ेंगे तेरे? पता नहीं यार कोई रास्ता ही नहीं मिलता, कोई तरीका ही नहीं सोचता मुझे। चल जाने दे आजा सुनते हैं इसके अब्बा क्या कह रहे हैं इसे। इसको भला अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइको। ओए अंग्रेजी में कुछ भी कहते हो सब पता है मुझे। मेरी जुबान में इसे इश्क कहते हैं। दिल से दूर करूं कैसे तू ही मेरी चाह। कितनी गिरी अब बाकी है, अब बाकी है। रिजल्ट आउट हो गया तुम्हारा। कितने सोच की बात है कि तुम फिर फेल हो गई और एक नहीं तीन सब्जेक्ट में सप्ली आई है तुम्हारी। तीन सब्जेक्ट में तुम जानती हो कि मैं तालीम पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? इसलिए बेटा कि मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूं। मेरे दफ्तर वाले कहते हैं कि अगर आप बीए होते तो आज आप चीफ एडमिन हो सकते थे। अबू सिर्फ इंग्लिश और उर्दू में ही तो कमजोर हूं, हर दफा इन्हीं दो सब्जेक्ट की वजह से फेल होती हूं मैं। ये क्या बात है? अरे अंग्रेजी तो मुझ जैसे मैट्रिक पास को भी आती है और रही उर्दू वो तो हमारी कौमी जबान है वो तो तुम्हें आनी चाहिए। अबू आपको नहीं पता ना कॉलेज में टीचरों के पास टाइम ही नहीं होता और हर स्टूडेंट पर थोड़ी वो तवज्जो देती है। तो तुम्हारा मतलब है कि मुझे तुम्हारे लिए किसी ट्यूट? नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं जानती हूँ कि ट्यूशन आजकल कितनी महंगी हो गई है। चाहे कितनी ही महंगी हो जाए ट्यूशन लेकिन मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगा। अब देखिएगा मैं इतने अच्छे नंबरों से पास होंगी कि सब मेरी तारीफ करेंगे। आपने भी खामखा ऑफिस से आते ही ट्यूशन मेरा मतलब है टेंशन ले ली। आ जाओ बच्चू आप वहाँ धोले मैं आपको अच्छी से चाय बनाती हूँ। अच्छा बे क्या बोल रहा है तू? तेरी बातें तो मेरी समझ में नहीं आ रही। टीचर चाहिए ना उसे, मुझसे अच्छा टीचर का मिलेगा? तू मैट्रिक फेल इंग्लिश के एक लफ्ज भी आता है तुझे? हाँ टेक मी लाइट नो वी कैन स्पीक इंग्लिश लाइक इंग्लिश मैन। अभी इंग्लिश मैन इंग्लिश की टांगे मत तोड़, वैसे भी वो बूढ़ा तुझे एक दिन में पहचान जाएगा। और वैसे उसे जाके कहेंगे क्या हमने छत पे खड़े होके आपकी बातें सुन ली है और उसी सिलसिले में हाजिर हुए? नहीं तो तू है ना तू जाके बात करेगा मेरे लिए? मेरा भाई है ना तू 10 साल से उसका पड़ोसी है तेरी बात जरूर सुनेगा। तू सिर्फ ये बोल के मास्टर्स की डिग्री तो ऐसे ही कर ली है मेरे दोस्त ने, लेकिन अंकल जी बहुत हार्ड वर्किंग है शुरू से ही, जिस काम की एक दफा ठान ले वो करके ही रहता है। अच्छा वाकई ये तो बड़ी जबरदस्त बात है भाई। इंसान तो एक ना एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। जी हाँ दरअसल मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं डिग्री जरूर हासिल करूं तो बस मैंने उसे हासिल कर लिया। अरे भाई मैं भी तो यही चाहता हूँ। लेकिन आजकल के बच्चों का पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। लेकिन बेटा तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम फीस कितनी लोगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप, आपसे क्या फीस लूंगा? आप मेरे दोस्त के पड़ोसी हैं, मेरे अंकल हैं आप। अंकल मैं यहाँ अकेला रहता हूँ,
वालदा है मेरी, लेकिन वो गांव में होती हैं, तो रोज रोज होटलों का खाना खा खा के थक गया हूँ। क्या ही अच्छा हो आप बस एक वक्त की रोटी मुझे दे दें, आपकी वजह से घर का खाना मुझे मिल जाएगा। कैसी बातें करते हो तुम भाई? अरे भाई एक वक्त का क्या, तुम दो वक्त का खाना हमारे यहाँ खा सकते हो। पर बात याद रखो, जिस दिन मेरी बेटी ने टॉप किया ना, उस दिन मैं तुम्हें कोई बड़ा सा तोहफा दूंगा जिसको तुम इनकार नहीं करोगे, ठीक है? जी जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रातों को नींद आए ना, तू ही मेरी राहत है। के लीजिए, अब्बा कह रहे हैं कि आप पहले खाना, उसके बाद पढ़ाइएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तो गलियों के खंभों के नीचे बैठ के बल्ब की रोशनी में डिग्री हासिल किया जनाब ने? जी हाँ, इस तरह पढ़ने का अपने एक लुत्फ है। जैसे फिल्मों में होता है। इत्तेफाक है कि फिल्मों में भी ऐसे ही होता है। आप अक्सर यहाँ आया जाया करते हैं ना? जी हाँ, अक्सर मोहल्ले में आता जाता रहता हूँ। जी अच्छा, अभी अब्बा को बताती हूँ। अब्बा, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था आपसे बात करने का। मैं पिछले दो सालों से यहाँ के चक्कर लगा रहा हूँ आपकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर सिर्फ आपका है। आप हैं इतनी प्यारी, मनमोहनी। वालेकुम सलाम सुल्तान बेटा, जीते रहो। कैसी चल रही है भाई पढ़ाई हमारी बेटी की? जी बस चल ही रही है पढ़ाई, तो रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा अंकल, पर आपको तो पता है रिजल्ट आने में कुछ ही दिन रह गए हैं अब। हाँ हाँ वो तो है। अरे सुल्तान, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी कहिए। देखो कल से ना हमारे दफ्तर में ऑडिट शुरू होने वाला है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि रानी अकेली कॉलेज से घर आए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कल तुम जरा जल्दी आओ और उसे कॉलेज से लेते हुए घर आ मुझसे सुल्तान बेटा, जरा ये देखना तुम क्या लिखा है इसमें। जी मैं यही बताने आया था कि आज मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा,
मुझे कहीं जाना है, मैं लेट हो गया हूँ, खुदा हाफिज़ में चलता हूँ। अरे भाई मैं तुमसे कुछ और कह रहा हूँ, ये पढ़ के बताओ क्या लिखा है इसमें। जी दिस इज नोटिस फॉर वाटर टैक्स। पानी का बिल मांग रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। पानी का बिल? अरे पानी शुरू में दे तो दिया था मैंने, फिर ये नोटिस क्यों आ गया? खैर छोड़ो, मैं देख लूंगा इसे बाद में। खुदा हाफिज़, मैं चलता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़ सर। अरे भाई, अरे नोटिस तो देते जाओ, क्या हो गया तुम्हें आज? जी रानी बेटा, जरा चाय बना दो मेरे लिए। जी अबू। अरे मैं तो ये रही मेरी। हाँ जाओ चाय बना के लाओ। अच्छा जनाब, क्या क्या खबरें हैं? हेलो। देखो सुल्तान, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। हम इस तरह कब तक अब्बू को धोखा देते रहेंगे? तुम बस कल ही आकर अब्बू से मेरी शादी की बात कर लो। मैं तो कर लूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या अब्बा इतनी आसानी से राजी हो जाएंगे? कभी ना कभी तो मानना पड़ेगा ना, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ठीक है, तुम बस वो खर्च छुपा दो कहीं पे, पता है वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम खुद मिलकर अब्बा को सब कुछ बता देंगे। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन कल जरूर आके शादी की बात कर लेना। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। लेकिन तो वाटर टैक्स वालों ने क्या भेज दिया? This is to bring into your notice that your daughter Rani Hassan has been very irregular with her attendance. In the month of March, her attendance was
रानी की शादी तुमसे करूंगा मैं, तुम जैसे गवार मेट्रिकुलेट से। क्या है तुम्हारे पास? न घर, न नौकरी, न डिग्री। आप मेरा यकीन करें, मैं सब कुछ ला दूंगा आपको। मैं खुद को रानी के काबिल बना लूंगा। मैं साबित करके दिखाऊंगा आपको, ये गाड़ी बंगला सब छोटी चीजें हैं। मैं सब कुछ ला दूंगा। कैसे कैसे लाओगे तुम? जादू की छड़ी है तुम्हारे पास, जादू करोगे तुम? लोगों को धोखा दे करके, जाली डिग्रियां दिखा करके, लोगों को बेवकूफ बना बना करके, तुम क्या समझते हो कि पूरी दुनिया पागल है? लोग बात कर, यकीन कर लेगी तुम्हारी बात पर। सिर्फ आप अंदर तो आए मेरी बात। मैं अंदर हूँ, तुम्हारे घटिया घर में मैं अंदर आऊंगा। और कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में करूंगा, तुम जैसे तो टके के टकपुंजे के साथ नहीं, समझे तुम? शादी करने चला है मेरी बेटी। अब चलो मेरे साथ, तुम बकवास करो, चलो। दिल से तू तुम्हें तू ही तुम्हारा घर ही बन पड़ा रहा। कुछ दिन बाद पता चला कि हमारी शादी हो गई है, बहुत धूमधाम से, किसी बहुत बड़े घराने में, जैसे तुम्हारे बाकी ख्वाहिश थी। तुम खुश तो हो ना? हाँ, बहुत खुश हूं। जो कुछ तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए चाहते थे, तुम्हें सब कुछ मिल गया। गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य। लेकिन मैंने तो ये सब कुछ कभी नहीं चाहा था। इनकार भी तो नहीं किया था कभी? मैं बहुत मजबूर थी, मैंने अब्बू को बहुत मना किया। शादी के दिन तक उन्होंने मुझे कमरे में बंद रखा। मैं बहुत रोई, घुट घुट कर तुम्हारा नाम लेती रही, लेकिन इतना सुनी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई, इतने बड़े घर में शादी हो गई। अब मुझे सुकून मिल गया ये सुन के कि तुम खुश हो। अरे हाँ, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? नहीं। तो फिर अभी तो कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को यहाँ। एक बात कहूँ? हाँ कहो। मैं तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ इतनी देर से कि तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। वहां लेकिन तुम्हारी बीवी बुरा तो नहीं मानेगी? मैंने शादी नहीं की। वो कांसामा और ड्राइवर छुट्टी पे गए हैं ना, तो इसीलिए गेट खुद खोलना पड़ रहा है मुझे। आओ, ये मेरा ड्राइंग रूम है। आओ।
ये घर है तुम्हारा? हाँ ये मेरा घर है। नहीं बहुत शानदार है और खूबसूरत थी, लग ही नहीं रहा कि ये उस सुल्तान का घर है जिसके पास एक रुपया भी नहीं होता था। हाँ मैंने फैसला कर लिया था कि मैं वो सब कुछ हासिल करके रहूंगा जो तुम्हारे अब्बा चाहते थे। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था। इतना प्यार करते थे मुझसे। दिल से दूर करूं कैसे, हाँ। तू ही मेरी चाहत है। मैंने बहुत प्यार किया था तुमसे। बहुत करता हूं तुम्हें, अगर यकीन नहीं है ना तो मेरे दिल से पूछ लो। तुम मुझे बाकी का घर नहीं दिखाओगे? हाँ आओ मैं दिखाऊं। बदले इतने अच्छे कपड़े पहने लेकिन जूते हाँ वो मैं जल्दी में निकला था तो ऐसे ही निकल गया बस। मास्टर बेडरूम ऊपर होगा ना? हाँ वो अम्मा को दे दिया मैंने वो बड़ा वाला बेडरूम, तो अम्मा होती है वहाँ पे। अभी है वहाँ पर? नहीं अम्मा तो इस्लामाबाद गई भी है। जहाज से? हाँ जहाज से, बल्कि वो वाला कंपार्टमेंट नहीं था वो बिजनेसमैन वाला, उसमें भेजा मैंने इस बार। उन्हें डर नहीं लगता? वैसे शुरू शुरू में मुझे तो बहुत डर लगता था लेकिन अब आदत हो गई है। तुमने अपने अब्बा के बारे में नहीं बताया? उनका 5 साल पहले इंतकाल हो गया। सुल्तान वो मैं तुमसे अब भी क्या ये किसकी तस्वीर है? ये वो मेरी अम्मा है ना, तो अम्मा की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। मैंने शादी नहीं की लेकिन अम्मा ने अपनी पसंद की लड़की से मेरी मंगनी कर दी थी, तो ये मंगेतर है मेरी। मगर मैंने खुद से नहीं की थी, वो अम्मा ने जबरदस्ती करा दी। अम्मा कह रही थी कि जल्दी कर ले मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। बहुत अच्छी मंगेतर है तुम्हारी।
सुल्तान वो मुझे देर हो रही है। नवीद मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे तो मुल्क से बाहर गए, लेकिन जब तक मुझसे कोई बात नहीं कर लेते ना, मैं रात में नींद नहीं आती। तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ मैं छोड़ देता हूँ। तुम अभी कह रही थी ना कि तुम अभी मुझसे सब कुछ तो कह दिया मैंने। ये है मेरा घर। अच्छा ये तो मेरे घर से भी बड़ा घर है। अच्छा सुल्तान तुम फौरन निकल जाना यहां से, मैं नहीं चाहती कि मेरा चौकीदार तुम्हें देख ले। अच्छा रानी क्या हम दोबारा फिर से, मेरा मतलब हम नहीं, हम दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत आगे, अब पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं। समझो मेरी मजबूरी मिस्टर सुल्तान, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, दुखाते हो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। दिल से दूर करूं कैसे, तू ही मेरी चाहत है। रातों को नींद आए ना, तू ही मेरी राहत है। आंखों में है रत जगी, याद क्यों इतना आते हो, दूर नजरों से क्यों जाते हो, किस लिए मुझको सताते हो। तुम हो मेरी जानी जान, क्यों अजनबी बन जाते हो। सिगरेट ले करो। हाँ यस भाई, हमारी बेगम साहब तो गई हुई अपनी अम्मा के पास एक हफ्ते के लिए लाहौर। I'll call you back. जी दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे दें, बस मेरे घर तक। क्या लिखा नजर आ रहा है मेरे माथे पे तुम्हें? बैठो। कितने लोग? 10,000 रुपए। नाम क्या है तुम्हारा? जी रानी। सुल्तान गाड़ी चलाओ। सुल्तान गाड़ी चलाओ, घर चलो, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। चलो अरे
मैंने कहा घर चलो। कितनी गिरी बाकी है, कितनी गिरने खोली है मैंने।